नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। मानता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत अति शीघ्र फल प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से धन और वैभव की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। वैभव लक्ष्मी पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। व्रती को शुक्रवार के दिन सभी कार्य संपन्न कर पूजा के लिए घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति या श्री यंत्र को लाल रंग के कपड़े में रख कर स्थापित करना चाहिए। माता की प्रतिमा या श्री यंत्र के सामने बैठकर लक्ष्मी जी के 8 श्री रूपों का ध्यान करना चाहिए। माता लक्ष्मी के 8 श्री रूप निम्न हैं। लक्ष्मी जी के 8 श्री रूप श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधि लक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। इसके बाद पूजा के लिए एक साफ प्लेट लेकर उसमें करीब 1 मुट्ठी चावल रखकर उस पर जल से भरा हुआ तांबे का लोटा स्थापित करना चाहिए। थाली में 1 या 2 सोने का आभूषण और कोई लाल रंग के फूल भी रखने चाहिए। आटे के चूरमे में कुछ फल काटकर पूजा का प्रसाद तैयार कर पूरे विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए तथा वैभव लक्ष्मी कथा सुनना चाहिए। अंत में प्रसाद को आसपास के लोगों व परिवार वालों में बांटने चाहिए। व्रत के उद्यापन करने के लिए 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाकर उन्हें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और दक्षिणा दान में देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में पूरे दिन का उपवास रखते हुए 1 बार भोजन करने का रिवाज है। इस दिन केवल अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी मंत्र। लक्ष्मी जी की पूजा करते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुद्रम्बरा हरिसखी, या श्री मनोलहादिनी, या रक्तनाकर मंथ नाथ प्रकटिता विष्णु सर्वा गेहिनी सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी सच पद्मावती। वैभव लक्ष्मी व्रत का फल। मानता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत करने से व्यक्ति को फल स्वरूप सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की कृपा से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन श्री यंत्र की स्थापना कर पूजा करने में घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री या कुमारी का भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उन्हें भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत माननी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही यह व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। 5वां, एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत मान सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। 6ठा, माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी की श्रीयंत अति प्रिय है। व्रत करते समय पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी
और हम पर उनकी कृपा नहीं होगी। सातवां व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का स्मरण मन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से ध्यान करना चाहिए। आठवां शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए, अगर वह भी ना हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। दसवां व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। ग्यारहवां व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस वाला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। बारहवां व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। तेरहवां व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत के पूर्ण होने पर माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए, अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो तो वह 2 बार भी भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ही ऐसा दृढ़ संकल्प करें। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी, शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे, वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठी। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगी, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुराइयाँ फैली हुई थी, उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिए थे।
इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता असहा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने सुख चाह कर एक फटी चद्दर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सुख चाह कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसे लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की सारी मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है, ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चले आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता के नज़दीक सिर की और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सत्तावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था, हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग हमसे रूठ गया, मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई, बुरी संगति की वजह से वे शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है,
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा सादा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए, व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रहे इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का लोट छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का जोत जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहनों गैरूपों का हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो दो बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो, कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या निवेद रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए।
पूजन विधि के बाद श्री फल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना की हो वह बोलो, मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करें। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित में हो गई कि माँ जी कहाँ गई, या माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमरण करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाग की चुन्नी बज गई थी। नाग की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी व प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मनी मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से व्रत किया।
और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पे चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार। माँ लक्ष्मी की कृपा से नौकरी मिली। माँ बाप एकमात्र सहारा था राम का, जिसे पढ़ने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही कि कब उसका लड़का पढ़ाई पूरी करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर ही तो उन्हें सुख मिलेगा, परंतु भाग्य की यह कैसी विडम्बना थी कि बीए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भी राम को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वह बेचारा हर रोज यही सोच कर घर से निकलता कि आज मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, परंतु शाम को वह निराश होकर घर लौटता। राम अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उसे पता था घर का खर्चा चलाने के लिए धन की ज़रूरत है, या धन तो तभी मिलेगा जब उसे नौकरी मिल जाएगी। यही सोच कर वह नए उत्साह से हर सुबह निकलता और शाम तक धक्के खाता, मगर नौकरी कहीं नहीं मिलती। एक दिन दुखी हो राम विष्णु भगवान के मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। उसने देखा वहाँ बहुत से लोग आ जा रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई नगद दान दे रहा है। वह अपनी जेब की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने और मेरे माँ बाप ने कौन से पाप किए हैं जो मुझे तुम्हारे प्रसाद के लिए पैसे नहीं दे सकते। घर में पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमता पड़ता, क्योंकि बस के किराए के लिए भी पैसे जेब में नहीं होते। इस शहर के लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, और मैं दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसता हूँ। उफ, मेरे भगवान, दुख के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर पुजारी ने उसे प्यार से कहा, बेटे तुम रो रहे हो, भगवान विष्णु के मंदिर में रोने का क्या काम। पुजारी जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। बेटे, चिंता ना करने से कुछ नहीं होता। तुम हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखकर माँ की उपासना करो, बस तुम्हें माँ के आशीर्वाद से काम मिल जाएगा। पुजारी जी ने उसे वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के नियम व विधि बताई। उसी सप्ताह से राम ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी ने उस पर तीसरे सप्ताह के व्रत पर कृपा कर दी। तब जब उसे सरकारी नौकरी मिल गई, राम को माँ ने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की प्रीतियाँ भी बांट दी। फिर पहले वेतन में जो उसको 1,00,000 रुपये मिले, जो हर महीने उसको मिलते थे, पूरे 12 महीने में 12,00,000 मिले। तो सबसे पहले उसने 7 कन्याओं को उनका मनपसंद भोजन भी कराया। जय माँ वैभव लक्ष्मी। दूसरा व्यापार अच्छा होने लगा। भागीदारी में झगड़ा हुआ, बिजनेस का बंटवारा हो गया। तभी से नरेश के बुरे दिन शुरू हुए। वह दिन रात मेहनत करता था, पर धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। एक ही साल में वह टूट गया। उसकी पत्नी माधवी बहुत सुशील थी, वह हिम्मत देती रहती, पर धंधा ना चले तो आदमी का दिल किस तरह प्रफुल्लित होगा। माधवी चोरी छुपे से कुछ न कुछ बेच कर घर चलाती थी। पति मन से और तबीयत से ढीला होता जा रहा था, यह देखकर उनका मन व्यथित होता। एक बार उसकी मौसी उससे मिलने आई। माधवी की मौसी के साथ अच्छी पढ़ती थी। उसने मौसी को सब कुछ बता दिया और रो पड़ी। मौसी ने कहा, तू माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मान ले और 11 या 21 शुक्रवार व्रत कर। अभी मेरे साथ बाजार चल और व्रत की पुस्तक खरीद ले।
माँ धनलक्ष्मी तेरे सब दुख दूर करेंगी। तुरंत तैयार होकर माधवी मौसी के साथ बाजार गई और शास्त्रीय विधि बालीश्री यंत्र और माता जी की आठ स्वरूप वाली पुस्तक खरीद ली। दूसरे दिन शुक्रवार था। माधवी विधिवत 21 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानकर व्रत करने लगी। दूसरे शुक्रवार को नरेश शाम को आया, तब उसके चेहरे पर खुशी फूट रही थी। उसने कहा, माधवी आज तो चमत्कार हो गया, एक बहुत बड़ी कंपनी को हमारे पार्ट्स की क्वालिटी और डिजाइन जच गई। उसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, लगता है हमारा नसीब बदल रहा है। बात भी सच निकली, 21 शुक्रवार पूरे होते ही नरेश का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। पूरे भाव से माधवी ने व्रत की उद्यापन विधि की और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की खरीदी हुई पुस्तक तिजोरी में रख दी। एक ही साल में नरेश ने मारुति कार भी खरीद ली। ऐसा है माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव। बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। पुराने रोग से मुक्ति मिली। दिनेश बाबू शहर के पुराने रहीस रोगों में से थे। बाप दादा की संपत्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। मकानों दुकानों के किराए ही इतने आते थे कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि तंगी किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। सुख के झूले झूलने वाले दुख का अर्थ भी नहीं जानते, परंतु सदा एक जैसे दिन नहीं रहते। समय बदलते देर नहीं लगती, सुख दुख में बदल जाए तो इंसान भी कष्ट भोगने लगता है। यही हाल दिनेश बाबू का था जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। उनके जीवन की यह पहली ठोकर थी जिसके कारण वे चिंतित हुए। डॉक्टरों को बुलाया गया, उनका इलाज घर पर ही होने लगा, लेकिन एक रोग के साथ कई रोग उन्हें लग गए, खांसी बुखार जोड़ों का दर्द। डॉक्टर लोग अपनी अपनी समझ से इलाज करने लगे। मगर मच बढ़ता गया, कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही थी। घर वाले चिंतित हो गए, ऐसे में करें भी तो क्या करें। हमारे देश में सबसे सस्ती चीज सलाह है, जो फ्री में हर एक से मिल जाती है। जितने भी लोग घर में आते सब अपनी अपनी हाँक कर चले जाते। कोई कह रहा था इन पर शनि ग्रह है, कोई कहने लगा इन पर किसी भूत की छाया पड़ गई है। तांत्रिकों ज्योतिषियों को बुलाया गया तो परिणाम वही निकला जो पहले था। घर का सारा वातावरण उदासी में डूब गया। विशेष रूप से उनकी पत्नी संगीता तो हर समय उदास रहने लगी। एक दिन संगीता की माँ उनके घर पर दिनेश बाबू के स्वास्थ्य का पता लगा करने आई तो उसने घर का सारा वातावरण उदासी में डूबा देखकर अपनी बेटी से कहा, बेटी देखो जरा, जहाँ पर तकदीर काम नहीं करती वहाँ तदवीर काम करती है। तुम लोग दवाइयाँ देकर हार गए हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब दवाइयाँ का असर ना हो तो दुआओं से काम लेना पड़ता है। बेटी तुम यदि 11 शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत विधि पूर्वक रखो तो माँ वैभव लक्ष्मी कृपा से तुम्हारा स्वभाव फिर से पहले की भांति नजर आने लगेगा। यह कहते हुए संगीता की माँ ने अपने पास से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक निकाल कर संगीता को दे दी। संगीता ने शुक्रवार से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत विधिपूर्वक करना आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी की उपासना से वह सुबह शाम करती रही। दिनेश बाबू धीरे धीरे ठीक होने लगे। 11वें व्रत तक दिनेश बाबू का स्वास्थ्य पहले से भी अच्छा हो गया। व्रत पूर्ण होने पर दिनेश और संगीता ने मिलकर एक यज्ञ किया और बाद में 7 कन्या को सबसे पहले खाना खिलाया। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की प्रीतियाँ उन दुखियों को बांटी गई जो सुख शांति की खोज में भटक रहे थे। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। दहेज। रामदास एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र न होकर 3 पुत्रियाँ ही थीं। उन्हें वे सदा लक्ष्मी रूप ही कहा करते थे। उन तीनों लड़कियों को रामदास ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा पूरा दिया गया। तीनों लड़कियों की बुद्धि तेज थी, सुंदर भी इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद के टुकड़े कहा करते थे। समय बीतता गया, तीनों बहनें बड़ी होती गईं। जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही
रामदास को उन तीनों पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़के देखने जाने लगे, लेकिन जहाँ भी वे लड़का देखने जाते उनसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता, आप दहेज में क्या लोगे? मेरी लड़की सुंदर है, गुणवान है, घर का पूरा काम काज जानती है, अच्छे वंश में पैदा हुई है, इससे अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? रामदास जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। रामदास को जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते तो उनके मन पर इतना बोझ हो गया कि इस दुनिया से ही घृणा करने लगे। जिस धन से उसने शिक्षा और ज्ञान को ऊंचा समझा था वह सब मिट्टी में मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते, बुद्धि से अधिक धन को मानते हैं। वह कैसे हैं ये लोग? यह चिंता रामदास को अंदर ही अंदर खाने लगी। पिता की बिगड़ती हालत देख कर तीनों बेटियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह तो पता था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुण से अधिक धन को महत्व देते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का रूप दिया गया है तो इससे बड़ा धन और क्या होगा? रामदास के घर पर विनाश के बादल छा गए थे। बाप बेटियों के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसे दोषी करार देती? माँ की मृत्यु के पश्चात तो वे वैसे ही अनाथ सी हो गई थी। मन की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। दोनों पक्ष अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, इनके दुखों को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी बनारस में उन्हें मिलने आए तो सारे घर को उदासी में डूबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्हें कारण का पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भांजियों को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप। कुछ पापी लोग यदि तुम्हारे इस स्वरूप को नहीं पहचान सके तो इसमें दिल छोटा करने की कौन सी बात है, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब भी कोई प्राणी संकट में फंसता है उसे इसका उपाय करना चाहिए, बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकते। मामी जी, हमें वे उपाय भी तो बता दो, हम तो अपने पिता के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बेटी, उपाय बहुत साधारण है। देखो, मैं तुम्हें यह छोटी सी पुस्तक उपहार में दे रही हूँ, बस इसे पढ़ो और माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करना प्रारंभ कर दो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी उस पड़ोसन ने माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसने इस पुस्तक को पढ़कर विधिपूर्वक माँ के 21 व्रत कर शुक्रवार को पूरे किए। अंत में माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई। उसकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से बिना दहेज के ही हो गई। इस खुशी में हमारी यह पड़ोसन हर 21 सप्ताह के पश्चात माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक बांटती है, ताकि माँ उन पर कृपा करती रहे और साथ ही जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसका भी कल्याण हो। तीनों बहनों ने अपनी मामी से वह पुस्तक ले ली और शुक्रवार से ही माँ वैभव लक्ष्मी व्रत विधिपूर्वक रखना शुरू कर दिए। 21 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 7 कुमारी कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 प्रतियां माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की लोगों को अपने हाथों से बांट कर हाथ में माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। इसे एक सप्ताह के पश्चात ही रामदास जी के पुराने दोस्त पारसनाथ मिले। वे कनाडा में रहते थे। उनके भारत आने का एकमात्र कारण यही था कि वे अपने तीनों लड़कों की शादी भारतीय लड़कियों से ही करना चाहते थे। पारसनाथ की बात सुनकर रामदास बोले, भाई पारसनाथ, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, रामदास तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने भाई से भी बढ़कर मानता हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो? पारसनाथ, है तो छोटा मगर बड़ी बात, परंतु कहे बिना नहीं रह सकता, कहो ना यार जो कहना चाहते हो। पारसनाथ, तुम्हारे 3 लड़के और मेरी 3 लड़कियाँ हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। वाह वाह, जब घर में गंगा बहती हो तो बाहर थक्के खाकर खाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हारी लड़कियों को शादी के बाद कनाडा ले जाऊँगा। अरे, तेरी लड़कियाँ नहीं, असल में ये मेरी लड़कियाँ हो गई हैं। रामदास के सारे संकट दूर हो गए।
तीनों बहनों को जब यह पता चला तो वे माँ वैभव लक्ष्मी जी की उपासना में और भी श्रद्धा भाव लग गई। जय माया लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।